नमस्कार दोस्तों, उद्घोष समय न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। रामपुर बघेलान रीवा के पूर्व विधायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रेमलाल मिश्रा बैरिया ग्राम पंचायत की बहु सरपंच मनोनीत हुई। रामपुर बघेलान बैरिया ग्राम पंचायत की सरपंच मालती मिश्रा नवनिर्वाचित हुई। गांव की जनता ने इनके निर्वाचित होने पर काफ़ी प्रसन्नता देखी गई। मालूम हो कि रीवा के पूर्व विधायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रेमलाल मिश्रा की बहू बैरिया ग्राम पंचायत के निर्वाचित सरपंच हुई। आपको बता दें कि पूर्व विधायक प्रेमलाल मिश्रा जो कि कॉलेज स्तर से राजनीति की शुरुआत की थी, जिसमें कि शुरुआती के दौर में रीवा TRS कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद उन्होंने 1977 में रीवा के पहले विधायक मनोनीत हुए। लगातार अपने जीवन में संघर्ष कार्य करते हुए फिर से दूसरी दफे 1985 में रीवा के विधायक चुने गए। राजनीति के दौरान आप कई दफे जेल की यात्रा भी किए थे। इनके राजनीतिक बिंद के कई नेता एक साथ हर कार्यों में जनता के हित के लिए आवाज़ उठाते थे, जिनमें प्रमुख रूप से रीवा के पूर्व सांसद स्वर्गीय चंद्रमय त्रिपाठी, रामपुर बघेलान के पूर्व विधायक प्रभाकर सिंह अग्रणी साथियों में से एक थे। वर्तमान में अगर देखा जावे तो राजनीतिक करियर में इनकी नाती जो कि एक क्षेत्र के जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं बीज मिश्रा जी, जो कि अपने बाबा की सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। उद्घोष समय न्यूज चैनल से सुधाकर त्रिपाठी तथा कैमरामैन ऋषिकेश त्रिपाठी। हाँ, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम विनीत मिश्रा है। आपका नाम बैठिया पंचायत में जन सेवक के रूप में देखने को मिल रहा है जी, तो आप जनता की सेवा क्या क्या करते हैं कि आपका नाम इस तरह से आगे चल रहा है? मैं मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, मैं अपने दादाजी के चिन्हों पर चलकर जनता की सेवा कर रहा हूँ। दादाजी क्या नाम था? स्वर्गीय प्रेमलाल मिश्रा जी। वो क्या थे? वो रीवा से दो बार विधायक रह चुके हैं और उन्हीं के पद चिन्हों में मेरा चलने का प्रयास है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहां तक हम पहुंचे हैं। देखिए, दादाजी के समय जो राजनीति, वो राजनीति आज के समय में नहीं है। ये बताएं कि दादाजी कुछ यादगार कहानियों हम लोगों को बताएं, कुछ जानकारी दें। दादाजी, मैं दादाजी का सानिध्य मुझे बहुत कम मिला है। मैं 5th क्लास में था जब दादाजी का देहावसान हुआ था, पर वो रीवा से जब भी आया करते थे तो एक सजेशन दिया करते थे कि आप अपने लिए कभी मत जीना, जीना तो हमेशा दूसरों के लिए जीना। और मैं उन्हीं की परिपाटी के आधार पर अपने गांव, गांव से अपने शहर के लिए तत्पर हूं। और उन जैसे यादगार आपने पूछा तो मैंने ज़्यादा सुना है कि वो जब जेल आपातकाल का समय था तो वो जेल में थे और उस समय काफ़ी आंदोलन में रहा करते थे और एक नारा लगा था कि साथी मिश्रा छूटेंगे, जेल के फाटक टूटेंगे, ऐसे कुछ नारे थे। और उस समय एक कहानी याद है कि शायद वो छोट मतलब कहना चाहिए कि वो रहे होंगे 8th 10th 11th क्लास में शायद, तो उस समय तात्कालिक मंत्री शायद स्वास्थ्य मंत्री थे माननीय गोविंद नारायण सिंह जी, आपके सिजाटा में ही थे, तो उन्हें उन्होंने का एक मतलब विरोधात्मक, कोई वैसा नहीं था, विरोधात्मक था, राजनीतिक विरोध के लिए उन्होंने काला झंडा दिखाया था सिजाटा गाँव में। तब बताते हैं कि उन्होंने बोला था कि हम आपको तहसीलदार और ये बनवा देंगे। दादाजी का आपका राजनीति जो देखा जाता है तो कॉलेज स्टूडेंट लाइफ से जी, जी, वो अध्यक्ष बने जी, और इसके बाद ऐसा जानकारी मिली कि जेल के अंदर से ही जी जी चुनाव जीते जी, छात्र संघ अध्यक्ष 1964 में वो बने थे। अच्छा, किस साल में फिर प्रथम विधायक बने? 1977 में तात्कालिक मंत्री श्री शत्रुघ्न सिंह, स्वर्गीय श्री शत्रुघ्न सिंह तिवारी जी को, फिर दूसरी बार 1985 में स्वर्गीय श्री मोहन प्रसाद शुक्ला जी को हरा कर विधायक पद पर नियुक्त हुए थे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। पाठी ग्राम पंचायत बैठिया में आज हमारी टीम उपस्थित हुई है। यहाँ पे वर्तमान सरपंच महोदय से हम लोग रूबरू होने आ रहे हैं। महोदय जी, आपका जनप्रतिनिधि हुई है इस पंचायत के, क्या नाम है आपका? मालती सर। आपके इस पंचायत का नाम काफ़ी बहुत पुराना है, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि रीवा के पूर्व विधायक प्रेमलाल मिश्रा जी हुए थे, तो आपके कौन है वो? हमारे ससुर हैं। ससुर जी हैं।
उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में भी अग्रणी आता है और बहुत त्यागी पुरुष थे। वर्तमान में आप पंचायत हुए तो आप अपनी पंचायत की रूपरेखा तैयार किए कि क्या ताकि पंचायत की आने वाले समय कर सकती काम, जैसे रोड सड़क पानी है जी। मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ शिक्षा का और उसके लिए स्वास्थ्य के लिए विकास किया जाए जी। अच्छा, शिक्षा को आप अग्रणी मानती हैं। अच्छा, शिक्षा के दृष्टिकोण से आप यहाँ स्कूल कहाँ तक, किस क्लास तक है यहाँ पे आप इस गांव में पंचायत में? टेंथ तक। और रोड सड़क पानी ये भी ग्रामीणों में ज़्यादा समस्याएं रहती हैं जी, इसके विषय में थोड़ा बताएं जी। मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ रोड का विकास, नाली है, इसकी समस्याएं ज़्यादा हैं, तो इसका भी विकास हो गांव में। अच्छा, इसके पूर्व जो पंच सरपंच महोदय थे वो जितना काम नहीं करा पाए हैं उसमें आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जन सेवक के रूप में जनता की काम करें? और जैसे इस समय वर्तमान में लाइट की समस्या बहुत तेज चल रही है, तो लाइट के विषय में थोड़ा जानकारी दें। लाइट के विषय में चाहती हूँ कि मेरे गांव का विकास हो, हमेशा लाइट रहे गांव में। चलिए, एक अंतिम मेरा प्रश्न ये है, हम लोग सारे पंचायतों में जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि आवास योजना, आवास योजनाओं में जो सहायक और सिक्योरिटी होती है इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार पुराने उसमें हम लोग देखते थे, इसके विषय में अगर आपके पास ये आते हैं तो किस प्रकार से आवेदन इनको आप सॉल्व करेंगे? काफ़ी गरीब लोग पंचायतों में जुड़े रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो भी योजनाएं हैं सरकार की तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैं दिलवा सकूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हम लोग मुलाकात किए और मैं